सीबीएसई टॉपर उबैद दलवी का नेरुल में सत्कार, रयान स्कूल के छात्र को मिल रही लाखों शुभकामनाएं। सीबीएसई 12वीं के हालिया परीक्षा नतीजों में टॉपर आए उबैद नूर मोहम्मद दलवी का नेरुल के कृष्ण कमल सोसाइटी में सत्कार किया गया। सानपाड़ा के रयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र उबैद दलवी ने 12वीं के एग्जाम में 97.20% रिजल्ट के साथ रयान स्कूलों में टॉप किया है। इस सफलता के जरिए उबैद ने अन्य बच्चों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है। टॉपर छात्र को सम्मानित करते हुए एनसीपी के महासचिव एवं सिग्नी फाउंडेशन के अध्यक्ष अफसर इमाम ने कहा कि उबैद ने स्कूल के साथ ही अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन कर दिया है। अफसर इमाम ने इस पर गर्व जताते हुए उबैद के उज्जवल भविष्य की कामना की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बिल्डिंग जहां हम लोग रहते हैं, कृष्णा कमल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये इसमें रहने वाला बच्चा आज और सीबीएसई में आपको 97.2% मार्क्स आया, तो ये हमारे खुशी की बात आज। तो ये हम लोग का नाम को रोशन किया है, अपने बाप का भी परिवार का नाम रोशन किया है, और इसकी दुआ देने के लिए, सत्कार करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आगे फ्यूचर के लिए हम लोग इसके लिए दुआ करेंगे कि इसने बहुत अच्छा काम किया। और हर आदमी को ऐसे बच्चे का अप्रिसिएशन करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का जो आने वाला ये फ्यूचर है हमारे देश का, हमारे देश में ऐसा बच्चे की सख्त ज़रूरत है। तो आज हम सबको बहुत खुशी है इस बात को लेकर के। इसलिए लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए हम लोग ने अपने आप को संभालते हुए शॉर्ट में और सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखते हुए इस तरह का प्रोग्राम किया। और मैं उबैद के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, खूब दुनिया में नाम कमाए और माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे और हमारे सोसाइटी का नाम रोशन करे। वहीं उबैद के पिता नूर मोहम्मद दलवी ने बेटे की सफलता पर खुशी जताई, जबकि खुद उबैद ने टॉपर बनने का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए इसे कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा बताया। एंड मैंने 12th अभी जस्ट पास किया विद अ परसेंटेज ऑफ 97.2 सीबीएसई एंड आई एम द टॉपर ऑफ ऑल ओवर रायन इन मुंबई। सो आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या टाइम पे, मतलब कैसे टाइम को मैनेज करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। सो मैं पहले इतना फोकस नहीं था, आई वॉज नॉट दैट फोकस कि मैं क्या कैसे कर पाऊँगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बोर्ड्स नज़दीक आते गए, आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू गेट दैट। हाँ, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब डैड एंड मॉम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इनफैक्ट भाई बहनों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड मैं कभी कभी लेट नाइट तक के कभी कभी जाग के भी पढ़ाई करता था, तो मेरी मॉम आके मुझे कभी कुछ खिलाना है ऐसे कुछ, सो या दे सपोर्टेड मी अलॉट। सर अफसर इमाम ने मुझे ये अप्रिशिएशन दिया है ताकि मैं फ्यूचर में भी बहुत अच्छा ऐसे परफॉर्म कर दूँ। नेरुल में उबैद को शुभकामनाएं देने सिग्नी फाउंडेशन के अध्यक्ष अफसर इमाम, कृष्ण कमल सोसाइटी के सचिव अकबर पौने, समाज सेवक मुजीब खलफे, समाज सेवक सुल्तान खान एवं मुजफ्फर पाखमोरे खास तौर पर मौजूद थे। TV1 इंडिया भी होनहार छात्र उबैद को बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।